आज सिलक्यारा टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों को 13 दिन हो गए हैं और अब आसपास के जो लोग हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं। और जैसा कि एक तरफ जो है, एक साइड जो स्टोरी की ये भी है कि लोग इसे आस्था से भी जोड़कर देख रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही बाहर निकलेंगे तो मंदिर भी बनाया जाएगा भोकनाग बाबा का। पहले तो परमार जी हमारे साथ हैं। परमार जी, क्या कहानी है भोकनाग बाबा की, कहाँ से, ज़रा वो अगर आप बता पाए। भोकनाग जी की कहानी तो ये है, जैसे हमारे ये दुधाधारी नाग है, भगवान कृष्ण द्वारिका नारायण है, जो 11 गति से मुखे में मेरा होता है, एक साल यहाँ होता है, एक साल जो है यहाँ भोकनाग में होता है। और अब इस साल जो है हमारे से मुखे में जो है दुधाधारी नाग भगवान कृष्ण का मेला चल रहा है। कल से यात्री वहाँ चल रहे हैं और जा रहे हैं। कहानी क्या है बाबा, कहाँ क्या अवतार है, क्या कहानी है? अवतार तो ये है कि वो बचपन में भगवान कृष्ण जो वो करते हैं छल बल करते हैं, उन्होंने जो है गंगू रमोले से जो है वो छल बल करके बोला और कुछ जगह मांगी थी से मुखेम में, तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा है कि उन्होंने मना किया, क्योंकि जो असुर होता है तो असुरों के साथ किसी की नहीं लगती है, तो उसने बोला मैं नहीं दूंगा। तो भगवान कृष्ण जो है छल बल किया है, तो भगवान ने तो अपने वो कारामात दिखाई है, वो से मुखे में रहे और भोकनाग बाबा जो है वो यहाँ आए हैं। तो एक साल जो है मेला से मुखे में होता है, बहुत लोग करोड़ों के लोग जो है इकट्ठे होते हैं और यहाँ भी हुए है भोकनाग की ये है। तो अभी अभी हो गए, आज 13 दिन हो गए हैं और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि काम शुरू हुआ तो बाबा का नाम नहीं लिया गया, तो ये इस वजह से भी आपदा जो आई हो सकती है, आपको क्या लगता है और क्या कह रहे हैं आपकी, बाहर निकलेंगे तो मंदिर का निर्माण होगा? मेरे कहने का मतलब तो ये है, आज 13 दिन हो गया है, भूल सबसे होते हैं, आप लोग पहले नहीं आए हैं, अभी आए, जब हमारे लोग वहाँ अंदर टनल के अंदर फंसे हुए हैं तो सबसे भूल होती है। तो हमारा ये कहना है कि भोकनाग जी उनका मंदिर भी यहाँ बनेगा और नगली का नाग भी होता है उनके साथ में, उसी का भैया होता है, और विषय राणा भी है, वो गोडर खाडर के हैं और उनकी बरात नगली के नाग ने जो है घेरा था, तो उसने भी अवतार लिया है, वो भी तीनों के मंदिर यहाँ बनेंगे। और जब हमारे वर्कर लोग बाहर आ जाएंगे सुरक्षित से, क्या बीत रही होगी उन लोगों पे जिनको 13 दिन हो गया है। हमारी डबल इंजन की सरकार भी बहुत मछलियाँ भेज रहे हैं और अच्छा वो करवा रहे हैं, लेकिन ये डेजी जो है वो प्रकोप है उनके साथ में कुछ नहीं। भगवान भोकनाग जी से हमारी प्रार्थना है कि वो हमारे आदमी को बाहर निकाले, जहाँ जो है हमारा, मैं उनकी पूरी बंसोली लगाऊंगा, हमारे जो उत्तराखंड में वो चलता है उनका 5 पांडवों का श्राद्ध भी दिया जाएंगे, यहाँ पे मैं उनका वृतांत लगाऊंगा, पर हमारे लोग जब सुरक्षित आज बाहर आए तो हम उनकी पूजा करेंगे। धन्यवाद, जय श्री राम। लोग जो कह रहे हैं कि जैसे ही बाहर आ जाएंगे तमाम लोग, तो यहाँ पर जो मंदिर हैं वो यहाँ पर भव्य बनाए जाएंगे।